हेलो चिल्ड्रन, दिस इज डॉक्टर रूपाली फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस. और अपन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. और उसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे तरीके कर लिए. फिजन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, स्पोरुलेशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हायर प्लांट्स में, इन सम हायर प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. उस पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और उसमें एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, जो अपने डिटेल में किए हैं एग्जांपल्स, ठीक है ना. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल. उसको शुरू करने से पहले मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है उसका आंसर करवा रही हूँ और वो समझा भी रही हूँ. दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है. सो मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पहले क्या फायदे हैं इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या फायदे हैं, ठीक है. सो हम पॉइंट वाइज करेंगे एंड फर्स्ट वी आर डूइंग मेरिट्स. हम कर रहे हैं मेरिट्स, ओके. नाउ मेरिट्स में पहली फायदा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का है, कुछ प्लांट्स जैसे कि केला, गन्ना, उनमें सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता. नॉर्मली होते हैं कुछ प्लांट्स जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली पॉसिबल नहीं. अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ढंग से तो सीड्स कैसे बनेंगे, तो आप बीज से कैसे पौधा लगाओगे, नहीं लगा सकते. ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने आप को प्रोपोगेट करने का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आइदर बाय कटिंग, जो भी तरीका है. आई हैव टोल्ड यू ऑल द मेथड्स, ठीक है. सो पहला मेरिट इज सम प्लांट्स प्रोपोगेट वेजिटेटिवली Because क्या they lack, क्या lack करते हैं वो, because they lack sexual reproduction, okay, they lack sexual reproduction, so क्या होगा, no seeds will be formed, क्या नहीं बनेंगे, seeds नहीं बनेंगे, no seeds will be formed. अब ऐसे टाइप के प्लांट्स कौन से हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है, बनाना, शुगर केन, गन्ना, सो केला, गन्ना, पाइनएप्पल, इसको भी ज्यादातर ऐसे ही उगाया जाता है. देन सीडलेस ऑरेंज, कई नारंगी, संतरे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, तो कैसे उगाएंगे इस तरीके से वेजिटेटिव प्रॉपर. एंड सीडलेस ग्रेप्स, अंगूरों में भी, ठीक है, उनको, उन पौधों को लगाने का तरीका क्या है, तो ये फायदे की बात है, ठीक है. सेकेंड मेरिट, जी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें रिड्यूस्ड पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नहीं अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते, तो रिड्यूस्ड पावर ऑफ बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और वो उनकी, उनके अंदर वो नहीं हो पाते सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते कॉमनली. ऐसा एक प्लांट मैं आपको बताती हूं, साइनोडॉन. मैं पहले भी पिछली क्लास में भी बता चुकी, मैंने लाके बताया था, दूब घास, लॉन की घास, लॉन ग्रास इज कॉल्ड एज साइनोडॉन. तो इसमें नहीं हो पाता, तो लेकिन अपन तो लॉन में लगाते हैं, कितनी फैलती है, और उसका रीजन ये है वेजिटेटिवली प्रोपोगेट, रनर से इतनी फास्ट होती है, इसका प्रोपोगेशन का तरीका क्या है, रनर से. सो ऐसे प्लांट्स के लिए ये एक, ये मेथड एक मेरिट है. कई बार कुछ प्लांट्स की बीज तो बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ, बीज भी बने,
पर वो सीड्स डोरमेंट रहते हैं. सीड्स डोरमेंट मतलब सीड को अगर मिट्टी में डाला, पानी डाला, तो वो बाहर ही अंकुर नहीं आता, वो स्प्राउट ही नहीं निकलता. सो डोरमेंट ही रहते हैं. तो बीज तो बन गए लेकिन वो डोरमेंट ही रहे हैं, उनमें से पौधा नहीं फूट रहा है. तो आप कैसे लगाओगे पौधा ऐसे प्लांट्स के लिए? तो प्लांट्स विच हैव लॉन्ग सीड डोरमेंसी. लॉन्ग सीड डोरमेंसी मतलब डोरमेंट रहते एंड पुअर सीड वायबिलिटी. मतलब सीड प्रोड्यूस हो गया है लेकिन वायबल नहीं. वायबिलिटी वो होती कि अगर आप सीड को कभी भी लगाओ, कितने समय भी रखने के बाद उसमें से पौधा आ जाए. तो सीड को लगाया, पौधा ही नहीं, मतलब वो सीड अंदर ही अंदर खत्म हो गया है. सीड जैसा दिख तो रहा है लेकिन उसमें प्लांट नहीं आएगा. तो सीड वायबिलिटी, ऐसे प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खास हेल्प करता है इनको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब सपोज एक और एडवांटेज, सपोज कोई एरिया है, डीन्यूडेड एरिया है, कोई एरिया है जो पूरा साफ हो गया है और उस पर हमको बहुत जल्दी फैलाना है प्लांट्स को, तो हेल्प इन कवरिंग डीन्यूडेड एरिया. बहुत जल्दी फैलाना. अब बीज लगाएंगे, बीज से पौधे आएंगे, फिर कब बढ़ेंगे? तो इसका हम क्या लगाएं, काट काट के अगर कलमे लगा दें, या कोई प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट, तो खाली एरिया जो है वो जल्दी से भर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन. और नेक्स्ट जो है दैट इज कोई बेयर एरिया है, खाली पड़ा एरिया है, उसको स्टैब्लिश करना है, वहां प्लांटेशन करना है, तो बजाय बीज लगाने के अगर हम इस मेथड से प्लांट्स लगाएंगे तो जल्दी वो एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं? सो एस्टैब्लिशमेंट मेंट ऑफ बेयर एरिया क्विकली, है ना? सो क्विकली बेयर एरिया. अब एक और चीज, क्विक मेथड ऑफ क्विक मेथड फॉर व्हाट? फॉर प्रोड्यूसिंग. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. कैसे? आपको फ्रूट्स चाहिए, फ्लावर चाहिए. अगर आप बीज से लगाओगे तो आपको कितने साल रुकना पड़ेगा, पर आप कलम से लगाओगे तो आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत जल्दी होगा. सो क्विक मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूं, यहां बताती हूं उसका एग्जाम्पल. जैसे पोटैटो है, आलू. आलू को अगर हम वेजिटेटिवली ट्यूबर से प्रोपोगेट करते हैं तो वो 3 से 5 महीने में हमको आलू देने लगेगा, ठीक है? जबकि अगर बीज से हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमको वो कम से कम 3 से 5 मंथ्स में हमको आलू मिल जाएंगे. जबकि यहां पर बीज से हमको कितने टाइम में मिलेंगे? 12 से 15 मंथ्स में. तो कितना लंबा टाइम है. तो हम क्या प्रेफर, किसान क्या प्रेफर करेंगे? ट्यूबर से लगाना प्रेफर करेंगे ना, और उसी से लगाते हैं. सो क्विक मेथड फॉर दिस. एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लिली. लिली का जो फ्लावर होता है वो अगर हम बल्ब से लगाते, लिली को कैसे लगाते? बल्ब से. तो हमें वो 2 साल में मिल जाएगी, ठीक है? 2 साल में मिल जाएगी. और अगर हम उसको बीज से लगाएंगे तो हमको 5 से 7 साल में वो पौधा और फ्लावर मिलेंगे. क्लियर है? सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमको यहां पर करने हैं. एक और, सर्वाइवल रेट
अगर किसी भी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल को हम लगाएंगे तो उसका सर्वाइवल रेट 100% के करीब होता है। कितना होता है? 100% के करीब। और अगर वही चीज हम बीज से लगाएंगे तो बिल्कुल गारंटी नहीं है कि बीज पूरा बड़ा पौधा होने तक बनेगा कि नहीं बनेगा। उसकी गारंटी इज वेरी लेस, इट्स ओनली 2% के करीब, वेरी लेस। फॉर सीड से अगर लगाएंगे तो वो बड़े होने तक पूरा पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा, कोई गारंटी नहीं है। सो सर्वाइवल रेट इज 100% इन केस ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट। और पॉइंट्स में आपको बताती हूं, रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, रिड्यूसेस द टाइम पीरियड ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ऑब्वियसली आप एक बनी बनाई कलम को ग्राफ्ट कर रहे हो, जिसने 5 साल पौधा उतना स्टेम डायमीटर लेने में लिया हो और आप बनी बनाई 5 साल तक वाला स्टेम की कटिंग ग्राफ्ट कर रहे हो, तो आप वो 5 साल बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे? तो उतनी जल्दी आपको फल और फूल मिलेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एंड आपको सपोज कोई सुपीरियर वेराइटी चाहिए, कोई से भी प्लांट की जल्दी चाहिए, सुपीरियर वेराइटी, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे वेजिटेटिव टिश्यू कल्चर है या ग्राफ्टिंग है, आप उस दोनों मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के आप कर सकते हो उससे ऑप्टेन। सो इतने सारे मेरिट्स है। क्वेश्चन आता है, जस्ट रिमेंबर ZZ, जबरदस्त जरूरी, ठीक है, कि मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इवन यू कैन राइट फ्यू पॉइंट्स अगर मेरिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर आए तो घबराने की जरूरत नहीं। अरे यार टिश्यू कल्चर कॉमन पॉइंट्स रहते हैं कई, तो ठीक है, सो यू कैन डू दैट। इफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो इंपॉर्टेंट मेरिट्स जो स्पेशली टिश्यू कल्चर की हैं वो मैं यहां ऐड कर रही हूं। एक तो वायरस फ्री प्लांट, सो आई विल राइट क्या मिलेगा, वायरस फ्री प्लांट मिल सकते। कौन से मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से? टिश्यू कल्चर से, बताया था ना। प्लस वेरी लेस टाइम में, बहुत कम जगह में आपको बहुत सारे प्लांट्स चाहिए, वो बीज से नहीं हो पाएगा, बीज को तो गार्डन सॉइल सब चाहिए, टिश्यू कल्चर। सो इन वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय में एंड स्मॉल लेस स्पेस, दोनों ही कंडीशंस में टिश्यू कल्चर पॉसिबल है, दैट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये सारे इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए मेरिट्स के, ठीक है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही लगाए ना सारे प्लांट, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान मैं आपको बताऊं, ये कौन सा टाइप की में आता है? एसेक्सुअल। और वही सबसे बड़ा नुकसान है, एसेक्सुअल प्लांट्स में वेरिएशन नहीं होता, अडैप्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। सो अपन देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स। सो नाउ वी विल डू द डीमेरिट्स। सो डीमेरिट्स क्या है देखें वन बाय वन। पहला तो मैंने आपको यही बताया, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, दो गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकता, मियोसिस हो नहीं सकता, इसलिए नो वेरिएशन एंड नो अडैप्टेशन तो ऐसे प्लांट्स में अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुए,
मौसम बदला, तो ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स में इतना पावर नहीं होता कि वो इस चेंज को सह पाएं, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन नहीं है उनमें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डीमेरिट है। ओके, नेक्स्ट जो है नुकसान जो है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, अब ओवर क्राउडिंग, मैंने कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली हो रहा है तो उसकी रूट से हो रहा है या स्टेम से हो रहा है तो बहुत दूर थोड़ा ना होगा, सारे प्लांट्स कहां होंगे, वहीं विसिनिटी में बन जाएंगे, फैल जाएंगे, बहुत जल्दी तो फास्ट तो उगेंगे लेकिन सब वहीं के वहीं। तो कॉमन सॉइल, कॉमन पानी, कॉमन मिनरल्स, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन। सो ओवर क्राउडिंग विच मे लीड टू कॉम्पिटिशन, ठीक है, विच मे लीड टू कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन से फिर कुछ जी पाएंगे और कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये एक नुकसान है। नेक्स्ट, इज नो डिस्पर्सल, ये भी एक नुकसान है। आप वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स में बीजे नहीं है, फ्रूट नहीं बन रहा, आप सीड्स होता या फ्रूट होता तो डिस्पर्सल, फैल दूर दूर तक फैलने के तरीके होते, उड़ के चला जाए, जानवरों के पेट में खा के चला जाए, तो प्लांट्स दूर दूर तक इनका फैलाव होता है। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स कुछ ही एरिए तक अपना फैलाव कर सकते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ठीक है। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज, दैट इज द डिस्पर्सल इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। अब आलू है, आलू को ट्यूबर से लगता है, ठीक है, गन्ना स्टेम से ही लगता है, ओके, ये सब मैंने आपको बताया। कोलोकेजिया है, वो उसके कॉर्म से ही लगती है, अदरक राइजोम से लगता है, हल्दी राइजोम से लगती है, तो हमें इनके प्रोपोग्यूल्स को अगले मौसम के लिए लगाना है तो किसान को रखना पड़ेगा या हमें लगाना है तो रखना पड़ेगा उसको संभाल के। अब सपोज आपको आलू अगले मौसम में लगाना है, अगले साल, अब आप आलू को कहीं भी रखोगे, आप उसको रखना इतना आसान नहीं, आलू को बोरों में रखोगे या तो सूख जाएंगे या सड़ जाएंगे या कीड़े लग जाएंगे या चूहा खा जाएगा, मतलब इतने सारे उसके खतरे हैं। तो ऐसे प्रोपोग्यूल्स को स्टोर करके रखना इज नॉट दैट इजी, सो ये एक डीमेरिट है इसका। सो प्रोपोग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग लाइक ट्यूबर कॉर्न एनीथिंग, क्योंकि दे आर बिग, दे आर नॉट ड्राई, दे हैव मॉइस्चर इन देम, ठीक है, एंड अप ऑल द डीमेरिट्स वी हैव डन, ठीक है, दीज आर द डीमेरिट्स। सो मेरिट्स भी बता दिए हैं एंड डीमेरिट्स भी बता दिए हैं। सो रिमेंबर, क्वेश्चन आता है, ट्वेल्थ में आता है, थियोरी में आता है, ओके, सो आप वो उस ये लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। I will repeat one point, that is what मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फिर सुन लीजिए, सारे प्लांट्स उनमें दोनों मेथड हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी, हायर प्लांट स्पेशली एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ओके, लेकिन एनिमल्स में, हायर एनिमल्स स्पेशली में एक ही तरीका है रिप्रोडक्शन का, दैट इज सेक्सुअल। ये एक बात पॉइंट है एनसीईआरटी का। दूसरा पॉइंट, तो आई पुट जेड जेड, दूसरा पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा, वो भी जेड जेड है, प्लांट्स, ये नीट में भी आ सकता है, प्लांट्स एनिमल्स
एंड फंजाई. कौन से तीन ग्रुप? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. तीनों का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका लगभग लगभग एक सा ही है, यानी वही गैमीट्स बनते हैं, वही फ्यूजन होता है, दो ऑपोजिट सेक्स गैमीट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो एंड देन फ्यूचर ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो बेसिक मेथड तीनों के एक से हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई ग्रुप का कोई ऑर्गेनिज्म हो, सेक्सुअल का मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बेसिक एक जैसा ही, ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू फेजेस बिफोर गोइंग टू एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्वेश्चन में भी आते हैं, फेजेस या ऑफ लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स, ठीक है, या लाइफ साइकिल ही बोले. सपोज अपनी लाइफ मान लो, आप तो अपने को, वी आर, हमको सबसे अच्छा एग्जांपल हम ही है, हमारा मान लो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा पूरी लाइफ साइकिल में क्या फेजेस आते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में पूरे जीवन काल में ये फेजेस आते हैं. कौन से फेजेस हैं? क्वेश्चन आता है, पहला फेजेस जुविनाइल फेज. कौन सा फेज है? जुविनाइल फेज, ठीक है. सपोज इस फेज में क्या होता है, बच्चा पैदा, ह्यूमन बीइंग का चाइल्ड बच्चा पैदा हुआ, वो धीरे धीरे कुछ सालों में चलना सीख रहा है, हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, वो ग्रोथ, और बड़ा रैपिड होता है. जब तक ये चलता रहे, बर्थ से जब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसके पहले तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? उसका जुविनाइल फेज. क्या कहलाता है उसका? वो जुविनाइल फेज. नाउ दैट इज फ्रॉम बर्थ टिल रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रैपिड ग्रोथ होती है. अब पता कैसे चले भैया ये जुविनाइल फेज में? सपोज प्लांट है, प्लांट को देख के कैसे बताओगे? तो कैसे बताएंगे? उसमें पत्तियां हरी हरी खूब ग्रो कर रही हैं. बर्ड को कैसे देख के बताओगे? एक छोटा चूजा है, उससे बर्ड बन रहा है, तो उसमें पंख, खूब सारा प्लूमेज, पंख कलर्ड प्लूमेज डेवलप होंगे. तो ऐसे देख करके आप बता सकते हो कि ये जुविनाइल फेज चल रहा है इसका, ऑर्गेनिज्म का. सेकेंड फेज आता है एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज. कौन सा फेज है? रिप्रोडक्टिव फेज. नाम में ही आंसर है. जैसे ही जुविनाइल फेज खत्म होता है, ऑर्गेनिज्म किस फेज में एंटर कर जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज. अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, प्राइमेट्स की बात करें, तो कैसे पता चलेगा इन एनिमल्स? जस्ट फ्रॉम प्यूबर्टी. अब मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि अपने को पूरे चैप्टर्स डिटेल में है, सो डोंट वरी. फ्रॉम प्यूबर्टी जब तक रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रहती, मतलब जब तक बच्चे पैदा करने की सक्षमता कैपेसिटी रहेगी ऑर्गेनिज्म में, फ्रॉम प्यूबर्टी से अप टिल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं बोले, कैपेबिलिटी रहेगी जब तक. सो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव फेज. और वो एनिमल्स में पता चल जाता है आपका लड़का लड़की दोनों का फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल बॉडीली चेंजेस आते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो देख के पता चल जाता है कि वो किस फेज में एंटर कर गए हैं? रिप्रोडक्टिव फेज में. प्लांट्स में कैसे पता करेंगे? प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज का पता चलता है जब उनमें फूल आते हैं,
ब्लूमिंग ब्लॉसम होता है तो हम समझ जाते हैं कि अब ये प्लांट किस फेज में एंटर कर गया है, रिप्रोडक्टिव फेज में। तो प्लांट्स में कैसे हो जाता है पता, कैसे पता लगाएंगे, दे फ्लावर। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है, तो मैं आपको ये डिटेल में डिस्कस्ड है एनसीईआरटी में, ये सेकेंड फेज का व्हेन प्लांट्स फ्लावर। हर एक प्लांट कोई एक ही समय पे फ्लावर करे नॉट नेसेसरी, ठीक है, कई प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं, एक सीजन में ग्रो हुए, जुविनाइल फेज खत्म हुआ, फ्लावरिंग की, फ्रूटिंग करी और खत्म, लाइफ साइकिल ही खत्म। तो इस बेसिस पे दो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मॉर्फोलॉजी में किया है हमने। एनुअल प्लांट्स, एनुअल देखो अब यहां पर एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट होता है, एनुअल वर्ड का मतलब होता है साल, तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जो एक साल में अपनी लाइफ कंप्लीट करा, बोलते भी टीचर्स भी ऐसे ही समझाते हैं, एक साल में बीज डाला, जुविनाइल फेज कंप्लीट की, रिप्रोडक्शन किया मतलब फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीड बनाया और लाइफ खत्म प्लांट की, ठीक है। मोर करेक्ट क्या रहेगा, विद इन वन ईयर, जो अपना जीवन एक ही साल के अंदर विद इन वन ईयर दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो इट मे बी वन सीजन, जैसे गेहूं, जैसे चावल, आप देखो चार पांच महीने में फसल खड़ी हो जाती है, क्या आपने देखा है कभी कि चावल की फसल निकल गई, गेहूं अभी कट रहा है तो आपने देखा है काट के वही प्लांट में से अगले साल फिर से गेहूं लगाए, कभी नहीं होता, पूरा खेत साफ कर देते हैं फिर से नए बीज लगाते हैं, क्योंकि वो कौन सा प्लांट है, एनुअल, विद इन वन ईयर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता। बहुत से ऐसे फसलें ज्यादातर सब एनुअल्स में आती हैं, ऑल वीट हो, ज्वार हो, बाजरा हो, राइस हो, भुट्टा हो, ऑल आर एनुअल्स, वो विद इन वन ईयर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एक सीजन में, क्लियर है। सो एनुअल्स इन वन सीजन, ठीक है, ओके। अब उसके एग्जाम्पल में भी वीट, राइस, आपको ये बहुत आसान है याद रखने के लिए, क्लियर। बाइनियल, अब इसमें फिर कंफ्यूजन है, बाइनियल का मतलब ये नहीं होता कि दो साल, दो सीजन, अगेन वो एक साल के अंदर हो सकता है, बाइनियल कई ऐसे प्लांट्स हैं जो एक साल में अपना जीवन खत्म कर देते हैं, फ्लावरिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कौन से कितने सीजन लगते हैं, दे रिक्वायर टू सीजन्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। दो सीजन वाले कौन से हैं, जैसे मैं लेडी फिंगर, देन सनफ्लावर, हेनबेन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिए हुए हैं, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर गिवन, ठीक है। सो एनुअल्स समझ में आया, बायनियल समझ में आया, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू सीजन, एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, सिर्फ पत्तियां वगैरह लगेंगी, और दूसरे सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, ये डेफिनेट है, वन सीजन ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ, द अदर सीजन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, एंड दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, सो बायनियल्स, ओके। थर्ड पेरिनियल, पेरिनियल मतलब होता है दे कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल फॉर मेनी सीजन, मेनी ईयर्स तक देयर लाइफ साइकिल इज कंटिन्यूड, सो
फॉर मेनी ईयर्स दे कंटिन्यू टू ग्रो. वो ग्रो होते रहते कई सालों तक, और ग्रो होते हैं तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं. और वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? ठीक है, दैट इज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. कौन सी कैटेगरीज हैं? मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. यूजुअली पॉलीकार्पिक ही पेरिनियल्स पाए जाते हैं, मतलब कई सालों तक जी रहे हैं और हर साल पर्टिकुलर सीजन में वो फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूटिंग करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक बार फ्लावरिंग हुई फ्रूटिंग हुई जी भले ही रहे हो, मतलब हर साल पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग. आप देखते ना, आम पर्टिकुलर सीजन में आता है, कई फल अपना अपने सीजन में आते हैं, लेकिन हर साल यू गेट दोज फ्रूट्स. दोज आर पेरिनियल प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स एग्जाम्पल है, मैंगो, ग्रेप्स, ऑल फ्रूट प्लांट्स यूजुअली आर एप्पल, पेयर, पॉमीग्रेनेट, ऑल आर पेरिनियल प्लांट्स एंड दे आर यूजुअली ट्रीज एंड दे ग्रो फॉर मेनी ईयर्स एंड दे प्रोड्यूस फ्रूट एवरी ईयर. ऐसे पॉलीकार्पिक मतलब फ्रूट बहुत बार अपने लाइफ टाइम में फ्रूट प्रोड्यूस करने वाले. ठीक है, मोनोकार्पिक पेरिनियल हैं, सालों साल जी रहे हैं, 50 साल जी रहे हैं लाइफ साइकिल, लेकिन फ्रूट सिर्फ रेयर कंडीशन है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन फ्रूटिंग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एक बार होगी. जेड जेड डालिए, क्वेश्चन आता है. यानी लाइफ में 50 इयर्स जी रहे हैं लेकिन एक ही बार फूल लगेंगे और एक ही बार फल लगेगा. ठीक है, मोनो मतलब वन, कार्पी मतलब फ्रूट. दे विल फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. ठीक है, पेरिनियल में मोनोकार्पिक जो है उसका एग्जाम्पल कम है, लेकिन मैं अभी आपको और समझाऊंगी. मोनोकार्पिक एग्जाम्पल पेरिनियल में मैं लिख रही हूं बैम्बूसा टुल्डा, मेलो कैना, दूसरा एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल है, वो मैं ऊपर लिखूंगी, आई विल राइट हियर. थर्ड एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना. रटा हुआ नाम होना चाहिए, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना. इसको कॉमन नेम इस प्लांट का है नीला कुरंजी, वो भी पता होना चाहिए. नीला कुरंजी, ठीक है, ये कॉमन नेम है. क्यों है वो मैं बता रही हूं. मैंने क्या बोला, मोनोकार्पिक. अपने भले ही कितने पेरिनियल प्लांट्स हैं ये, कई साल जीते हैं, लेकिन उनके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लाइफ में एक ही बार होता है. अब आप सोचो इतना बड़ा बैम्बूसा टुल्डा, ये दोनों एक टाइप के, दोनों ही अलग अलग स्पीशीज के बैम्बू हैं, बांस हैं, और इससे रिलेटेड मैं एक वो बता रही हूं कि आसाम में, आसाम के जंगल जो है ना, लॉट ऑफ बैम्बू इज देयर. मतलब वहां जंगल में आपको बैम्बू के जंगल मिलते हैं. आप कभी आसाम जाएंगे, उस साइड मेघालय आसाम, इतने जंगल फैले हुए हैं बांस के, स्पेशल टाइप ऑफ. वहां पर ये स्पेशल टाइप का बांस जो है वो आपको मिलेगा, दैट इज बैम्बूसा टुल्डा. नाउ बैम्बूसा टुल्डा जो है, या मेलो कैना जो है, वो बांस की स्पीशीज,
वहां पर 40 to 50 ईयर्स के बीच फ्लावरिंग करता है। हुई थी बीच में कुछ साल पहले, न्यूज में आया था कि इसमें फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग के बाद द प्लांट डाइज। लेकिन फ्लावरिंग होती कब है? जब वो 50 ईयर्स का होता है ये बांस, तब एक बार फ्लावरिंग हुई है, द प्लांट डाइज। वो जो फ्लावरिंग हो रही थी तो उससे बोलते हैं, वहां के लोग मानते हैं कि अकाल पड़ जाता है। वो लोग ऐसा सुपरस्टिशन है उनका कि जैसे ही वो बांस में फ्लावरिंग होगी ना, जब भी होगी, तो हमारा गांव में अकाल, फेमिन हो जाता है। मैं उसका साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। लाइफ में मोनोकार्पिक है, एक बार फ्लावरिंग हुई, विग्रस फ्लावरिंग होती, पूरे जंगल में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती है, छोटे छोटे गेहूं के दाने जैसे फ्रूट्स होते हैं उस बांस के। अब जब इतना दाना प्रोड्यूस होता है आसपास के जंगल में, तो जो गांव है आसपास में, वहां रह रहे थोड़े बहुत चूहे, उनको पता चलता खुशबू से कि सीड्स आ गए, वो खाना मिलता है तो वो दौड़ते हैं जंगल की तरफ, और खाना खा खा के खूब ब्रीडिंग करते हैं। चूहों बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड करते हैं और इतने बच्चे पैदा करते हैं। अब ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक आध महीने तक ही चलता है। अब जब इतने बच्चे पैदा हो गए और वो बड़े हुए, खाना खत्म, अब वो चूहों को खाने की जरूरत पड़ी तो वो जंगल में, तो अब वो तो मर गए प्लांट्स, तो वो किसकी तरफ रुख करते हैं अपना? दे मूव टूवर्ड्स बैक टूवर्ड्स द विलेज, गांव की तरफ। तो आसपास जितने गांव हैं उन पे चूहों का अटैक आ जाता है, तो अकाल तो पड़ेगा ही। दिस इज द साइंटिफिक रीजन। पर वो लोग ऐसा समझते हैं कि जब भी बांस में फूल आएगा, फल आएगा, हम लोगों का सबका अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाट हैपेंस। क्लियर? दैट इज अनदर थिंग। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, ये एवरी 12 ईयर फ्लावर करता है। अब एवरी 12 ईयर नहीं बोलना चाहिए, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। ये 12 एक प्लांट है, 12 साल बाद ही फ्लावरिंग करेगा और फ्रूटिंग, लेकिन उसके बाद इट डाइज। इट्स अ मोनोकार्पिक प्लांट। फिर नए प्लांट लगेंगे सीड से और फिर वो 12 साल। तो पिछला जो हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, जो एनसीईआरटी ने डाटा दिया है वो था 2006 में, ठीक है, जुलाई अगस्त के टाइम, अगस्त के टाइम ये हुआ था। तो नेक्स्ट अभी हुआ था 2018 में। रीसेंट कब हुई थी फ्लावरिंग? 2012 साल बाद। अब 12 साल बाद आप लगा लीजिए, अगस्त 2018 में फ्लावरिंग हुई थी। अब ये खास कहाँ मिलता है इंडिया में, मैं आपको बताती हूँ। तो इंडिया का ये पेनिनसुला वाला रीजन है। नाउ दिस इज केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, तीनों का जहाँ जंक्शन है वो एरिया, मुन्नार वाला एरिया जो है, केरला कर्नाटक तमिलनाडु का जंक्शन वाला एरिया है, वो एरिया को बोलते हैं, वहां पर वो साइलेंट वैली है। मैं बाद में बताऊंगी हॉटस्पॉट कंसिडर किया उसको, क्या चीज है ये मैं बताऊंगी। इस जगह पे ये प्लांट लगता है और ये हर 12 साल में ब्यूटिफुल पर्पल ब्लू कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं एक साथ पूरे हिली ट्रैक पे। अगर उस पहाड़ी पे आप उस समय पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ब्लू फ्लावर्स आपको लगे हुए एक साथ ब्लूम करे मिलेंगे, ब्यूटिफुल सीनरी। बट इट इज वेरी रेयर, एवरी 12 ईयर्स। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, याद रहेगा, क्वेश्चन आता है। इट्स अ मोनोकार्पिक प्लांट। तो ये तो हुए पेरिनियल के एग्जांपल, रेयर विच इज मोनोकार्पिक। मुझे बताइए रेगुलर वे में मोनोकार्पिक प्लांट कौन सा है, मोनोकार्पिक रेगुलर वे में प्लांट कौन सा है, ये आप बताएंगे। मोनोकार्पिक एनुअल्स, सम बायनियल्स आल्सो, एक ही सीजन एक ही मोनोकार्पिक, नॉट बायनियल्स, या बायनियल्स आल्सो, ऑल एनुअल्स ऑल बायनियल्स आर नेचुरली मोनोकार्पिक। मैंने क्या बोला, एक ही सीजन में दे ग्रो एंड दे विल प्रोड्यूस फ्रूट, एक ही बार तो कर रहे हैं, ऑल आर मोनोकार्पिक, इवन बायनियल्स एक ही बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग तो एक ही बार हो रही है ना, तो दे आर ऑल्सो मोनोकार्पिक। बट पेरिनियल्स रेयर हैं, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। तो ये बात, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, एनुअल्स बायनियल्स एंड पेरिनियल्स। और अच्छा, फ्लावरिंग की जहां तक बात है, बहुत रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जो कंटिन्यूसली साल भर फ्लावरिंग करते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है
चाइना रोज, कौन सा एग्जाम्पल है? चाइना रोज। सर आवाज कम कर दी, उसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज। ठीक है, सो चाइना रोज में पूरे जब तक लाइफ है वो फ्लावरिंग हर पूरे ईयरली फ्लावरिंग रहता है। ठीक है, सो दैट इज शू फ्लावर चाइना रोज। आप देखिए शू फ्लावर के फ्लावर आपको किसी भी सीजन में मिलेंगे लगे हुए। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज पे। एंड आर नेक्स्ट फेज इज वी हैव डन लाइफ साइकिल के कौन से फेज, जुविनाइल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। ठीक है, और तीसरा फेज इज सेनेसेंस। अब सेनेसेंस में क्या होता है ह्यूमन बीइंग से बताती हूं। 50 से 55 साल के बीच रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हुआ एक फीमेल का, ह्यूमन फीमेल का। 55 इयर्स की वो फीमेल हुई, उसके बाद उसके बॉडी के फंक्शन सेल्स का थोड़ा थोड़ा डिटीरियोरेशन चालू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर जगह सेल्स का डिटीरियोरेशन स्लो हो जाता है हर चीज, और वो किसको लीड करता है? एजिंग, बुढ़ापे को। और धीरे धीरे नेचुरली सेल्स जब डिटीरियोरेट होते जाते हैं तो एक समय आता है कि बॉडी में उतनी ताकत ही नहीं रहती सेल्स में कि वो बॉडी को सर्वाइव रख सकें, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। तो सेनेसेंस में जो है वो ग्रोथ या सेल्स का डिटीरियोरेशन होने लगता है, स्लो डिटीरियोरेशन होता है, और इट विल लीड टू, सब चीजें स्लो हो जाती हैं। ठीक है, एजिंग एंड अल्टीमेटली टू डेथ। सो फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल समझ में आया? जुवेनाइल फेज बिफोर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें यू प्रोड्यूस यंग वंस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, देन आफ्टर दैट ढलान, उम्र की ढलान वाला सेनेसेंस विच लीड्स टू बुढ़ापा, एजिंग एंड देन टू डेथ। सो दीज आर द कॉमन फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज पे, जिसके मैंने प्लांट्स के कुछ चीजें बताई। मैं एनिमल्स में भी उस फेज का, क्योंकि हमारा टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, तो हम एनिमल्स की कुछ जनरल चीजें मैं आपको बताती हूँ इसमें रिप्रोडक्टिव फेज। अब एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो ब्रीडिंग के बेसिस पे, वो दो टर्म्स हैं ब्रीडिंग के बेसिस पे दो टर्म्स हैं सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो एनिमल्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ सीजन में ही ब्रीडिंग की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, लेकिन they have that power of reproduction only for a particular period of time, particular season, उनको बोलते हैं seasonal breeders। और seasonal breeders के जो example हैं वो हैं, seasonal breeders के example हैं वो हैं deer, cow, many birds, सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स जो हैं वो कोई पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ठीक है, बर्ड्स के लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि बर्ड्स में, जैसे मुर्गियों में, वो भी बर्ड है, वो तो हम तो अंडे खाते हैं, हर हफ्ते अंडे देती हैं हमारी मुर्गियां तो, और आपने तो बताया कि बर्ड्स तो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही अंडे देना चाहिए। तो भैया बर्ड्स एक एक्सेप्शन क्यों है? पोल्ट्री जो पाली जाती है ना, जो हम रेयर करते हैं, पालते हैं, वो बर्ड्स को हम हैं कल्प्रिट, ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए उनमें
इंजेक्शन लगा के, स्पेशल डाइट दे के, उनको हॉर्मोन्स दे करके आर्टिफिशियली अंडे दिलवाते, जबकि बिचारी वो तो नेचुरली अगर जंगल में है ना तो वो अपने टाइम सीजन से ही अंडे देंगी, लेकिन हम उनको अपने मतलब के लिए जबरदस्ती अंडे दिलवाते हैं। तो दैट इज ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल। लेकिन नेचुरली बर्ड्स, चिड़ियाएं आप देखिए, ये जो स्पैरो वगैरह होती हैं, ये पर्टिकुलर सीजन में ही घोंसला बनाती हैं। ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है? तो दे आर सीजनल ब्रीडर्स। क्लियर है? नाउ डियर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं। तो इसमें क्या है, लिजर्ड्स हैं एंड फ्रॉग्स हैं, ऑल आर। आप देखना फ्रॉग्स बारिश के मौसम में आपको क्रॉकिंग सुनाई देगी, फ्रॉग की आवाजें, क्यों? क्योंकि उनका ब्रीडिंग टाइम चल रहा है, चलता है। लिजर्ड्स अभी देखो पूरी दीवारों पे छिपकलियां दिखेंगी आपको, बहुत बुरी लगती हैं छिपकलियां, लेकिन वो अभी उनका ब्रीडिंग टाइम चल रहा है, गर्मी सीजन, गर्मी के सीजन में ही ब्रीड करती हैं। तो दीज आर सीजनल ब्रीडर्स। और हम जैसे एक एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, और भी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगी, ह्यूमन बीइंग्स दे ब्रीड कंटिन्यूअसली, कभी भी कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता उनका ब्रीडिंग के लिए, साल का कोई सा भी समय में दे आर एबल टू ब्रीड। सो डिफरेंस सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्लियर? अब जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, यह स्पेशली मैं बता रही हूं प्राइमेट्स। यू नो व्हाट आर प्राइमेट्स? ये एक ऑर्डर है मैमल्स का, जिसमें क्या आते हैं, मंकीज, एप्स और ह्यूमन। ठीक है, ये तीन प्राइमेट्स में आते हैं, और मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन, दे अंडरगो अ साइक्लिक चेंज इन देयर बॉडी इन द रिप्रोडक्टिव फेज। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज वाली उम्र में आते हैं, ये तीनों मेंबर्स प्राइमेट्स, वो उनकी बॉडी के अंदर साइक्लिक, हर महीने एक साइक्लिक चेंज होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं उसको, हम डिटेल में करेंगे, सो डोंट वरी क्या है क्या है क्या है, कोई इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल फिजियोलॉजी करेंगे हम। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए मंथली साइकिल होती है बॉडी के अंदर। और नॉन प्राइमेट्स में जैसे काउ, गोट, शीप, उनमें होती है ईस्ट्रस साइकिल। वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, यहां तक अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।